हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सो मेनी पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम माय फर्स्ट वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 20 टू सेक्शन 50। सो बिफोर स्टार्टिंग, एनीवन रिमेंबर व्हाट वाज द लास्ट सेक्शन वी रेड अबाउट? प्लीज राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, हम अपने नए सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेक्शन 20। ठीक है, सेक्शन 20 क्या कहता है? अग्रीमेंट वॉइड वेर बोथ द पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर दोनों पार्टी मिस्टेक कर रहे हैं जो मैटर ऑफ फैक्ट है उस पे, तो अग्रीमेंट वॉइड कहलाया जाएगा। ठीक है, आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक अग्रीमेंट किया, ठीक है, फॉर सेलिंग कार्गो गुड्स। ठीक है, अब ये जो है वो इंग्लैंड से इंडिया आते हुए गुड्स गुम गए, लॉस्ट हो गए। ठीक है, जब लॉस्ट हो गए तब ए और बी को पता नहीं था कि वो गुड्स है ना गुम हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अग्रीमेंट है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बनाया गया है, क्योंकि ए और बी को पता ही नहीं था कि गुड्स लॉस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये है एक एग्जाम्पल जो कहता है कि हाँ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज वॉइड, दिस काइंड ऑफ अग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में ए है ना अग्री करता है बी से टू बाय सर्टन हॉर्स। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा रहता है यहाँ पे, तब हॉर्स मर जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे ए और बी को पता ही नहीं है कि ये हॉर्स ऑलरेडी मर चुका है। ठीक है, तो इस टाइम पे ये जो अग्रीमेंट है, दिस अग्रीमेंट विल बी कॉल्ड अग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है, चलो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ए ने ऐसा अग्रीमेंट फॉर्म किया कि वो है ना बी के लाइफ टाइम तक ये इस्टेट सी को सेल करेगा। जब तक बी जिंदा है तब तक सी को सेल करेगा, लेकिन बी एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट मर जाता है। ए और सी को पता ही नहीं कि बी मर गया है, तो ये अग्रीमेंट जो ए और सी के बीच में फॉर्म हुआ है इज वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, सिंपल। चलो अपने नेक्स्ट इसमें जाते हैं। That is section 21, effect of mistake as to law। ठीक है, ये कहता है a contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in India। contract voidable नहीं होगा अगर वो कोई mistake हो जो India के law के हिसाब से हो। ठीक है, वो voidable नहीं होगा। बट अ मिस्टेक एज टू द लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया, जो मिस्टेक अगर किया है किसी लॉ में जो इंडिया में नहीं है, ठीक है, वो मिस्टेक को फैक्ट में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई लॉ जो इंडिया में है उसको कोई इंसान फॉलो कर रहा है और उस पर कोई मिस्टेक करे, तो उसको मिस्टेक नहीं माना जाएगा, इट इज़ नॉट अवॉइडेबल। ठीक है, अगर वही कॉन्ट्रैक्ट कोई दूसरी कंट्री का है, उसमें मिस्टेक हुआ हो, तो उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहेंगे। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशंस देखते हैं। ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंडेड ऑन द इरोनियस बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ, कि एक पर्टिकुलर डेप्ट है वो इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन से बार्ड है, उसके ऊपर गया है। ठीक है, मतलब 3 साल का लिमिटेशन दिया है, उसके ऊपर गया हुआ है, तो यहाँ पे ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है जानने के लिए। चलो आगे जाते हैं सेक्शन 22 पे। सेक्शन 22 क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय अ मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। सिर्फ एक जन से मिस्टेक हुई है, सिर्फ एक जन से मिस्टेक हुई है, तो उसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे बताओ, ज़रा लिखो कमेंट सेक्शन में, कौन सा मिस्टेक बोलेंगे अगर एक जन से मिस्टेक हुई है तो? यस, यूनिलैटरल मिस्टेक। दो जन से हुआ है तो उसे कहेंगे बायलैटरल मिस्टेक। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल मियरली बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाई वन पार्टी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा अगर वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है तो।
by of one parties to it being under mistake as to a mistake of fact. ठीक है, यूनिलैटरल मिस्टेक यानी कि एक ही जन से हुआ है तो वो अवॉइडेबल नहीं होगा एज टू द मिस्टेक ऑफ फैक्ट. ठीक है, सिंपल. चलो आगे जाते हैं. व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर नॉट लॉफुल. ठीक है, सबसे पहले तो कंसिडरेशन क्या होता है ये मैंने आपको पुराने लेक्चर में बताया कि कंसिडरेशन क्या होता है मीनिंग. ठीक है, याद करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसका मतलब क्या होता है. ठीक है, अब इसको रीड करते हैं. कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब लॉ के हिसाब से उसको मना नहीं किया हो, और इज ऑफ सच अ नेचर दैट इट इज परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ. मतलब वो ऐसे नेचर में है कि अगर उसको हाँ किया गया हो तो वो किसी ना किसी प्रोविजन को हार्म करेगा ही लॉ में. ठीक है, और इज फ्रॉडुलेंट और इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू अ पर्सन और अ प्रॉपर्टी ऑफ अनादर, और अगर उसको हाँ बोला जाए ठीक है तो वो किसी ना किसी को प्रॉब्लम करेगा, हार्म करेगा, इंजरी करेगा, या किसी ना किसी प्रॉपर्टी को वो हार्म करेगा, और कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, इन ईच ऑफ दीज केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज सेट टू बी अनलॉफुल. Every agreement of which the object is consideration is unlawful is void. ठीक है, तो कुछ illustrations देखते हैं जिससे आपको समझने में easy हो जाएगा. ठीक है, A agree कर रहा है B के साथ to sell the house. यहाँ पे sell कर रहा है house, और B agree कर रहा है A के साथ कि वो उसको 1,000 rupees देगा, 10,000 rupees देगा. ठीक है, यहाँ पे ए का है कंसिडरेशन, ए का है सेल, बी का है कंसिडरेशन 10,000 rupees. तो इसको क्या कहेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर लॉफुल कंसिडरेशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल में ए बी को प्रॉमिस करता है कि हर 6 महीने के एंड में वो 1,000 rupees बी को देगा. ठीक है, अगर सी उसको पे करना भूल जाए तो. ठीक है, ए बी को प्रॉमिस करता है कि हर 6 महीने में अगर सी बी को पेमेंट करना भूल जाएगा तो ए बी को पेमेंट करेगा कितना, 1,000 rupees. ठीक है, इसमें ये लॉफुल कंसिडरेशन है एंड लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल कहता है ए ने बी को प्रॉमिस किया है कुछ वैल्यू पे करने के लिए फॉर द वैल्यू ऑफ शिप. ठीक है, कुछ पैसे पे करेगा और बी ए के साथ शिप का ये करेगा, डीलिंग करेगा. ठीक है, नाउ ए प्रोमिसेस द कंसिडरेशन फॉर बीस पेमेंट and B's payment is consideration for A promise, है ना? तो यहाँ पे this is lawful consideration. ठीक है, lawful consideration वो होता है जहाँ पे clear party हो और clear payment हो. ठीक है, कोई भी immoral ना हो nature, कोई भी opposed to public policy ना हो. ठीक है, मैंने आपको definition में बताया section 23 में कि कौन से चीज़ें हैं जो अनलॉफुल नहीं है, जो लॉफुल है. ठीक है, वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होने चाहिए. ठीक है, इट शुड नॉट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, और इज फ्रॉडुलेंट और इम्प्लाइज टू इंजर द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, और द कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो फिर वो अग्रीमेंट क्या कहलाएगा, लॉफुल अग्रीमेंट कहलाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो बी के चाइल्ड सी को देखेगा, मेंटेन करेगा. ठीक है, 1,000 rupees में ईयरली. ठीक है, यहाँ पे ए का काम क्या है, सी के बच्चे को बी के बच्चे को देखना, और बी का काम क्या है, ए को
1000 rupees ईयरली देना. तो दिस इज लॉफुल कंसिडरेशन, कुछ भी इमोरल नहीं है, कुछ भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं है, ठीक है, कुछ भी फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है. तो दिस इज प्रॉपर अग्रीमेंट, लॉफुल अग्रीमेंट विद द कंसिडरेशन, ठीक है. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल बोलता है ए बी और सी तीनों अग्रीमेंट फॉर्म किए हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी गेन्स होगा, वो तीनों आपस में शेयर करेंगे हाफ हाफ, ठीक है. किस पे उन्होंने कोई भी फ्रॉड कमिट किया है, जिस पे उनको कोई भी प्रॉफिट या गेन्स होगा, वो तीनों हाफ हाफ कमिट करेंगे, ठीक है. तो अब ये अग्रीमेंट वॉइड होगा क्योंकि ये इमोरल अग्रीमेंट है, ठीक है. इट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ठीक है. तो ये अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट होगा बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. समझ में आ रहा है, ठीक है. चलो आगे जाते हैं, दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं. दूसरा इलस्ट्रेशन बोलता है ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो कुछ पैसे बी को देगा अगर बी ए को कोई भी पब्लिक सर्विस में काम दिला देगा, ठीक है. ए बी होते हैं, बी ए को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें पब्लिक सर्विस में काम दिला दूंगा कुछ अमाउंट लेकर, ठीक है. तो यहाँ पे जो ये कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, देयरफॉर द अग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक है, बिकॉज इट इज इमोरल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ठीक है. चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं इलस्ट्रेशन. ए जो होता है वो एजेंट होता है उसके प्रिंसिपल का, ठीक है. सपोज सी का ए एजेंट होता है टू सेल द प्रॉपर्टी, ठीक है. नाउ ए एज अ एजेंट सेल हिज प्रॉपर्टी टू बी. सेल हुज प्रॉपर्टी? प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी. विदाउट प्रिंसिपल नोइंग इट ही सेल्स इट टू बी, ठीक है. अब यहाँ पे ए ने बी के अगेंस्ट में फ्रॉड कमिट किया, ठीक है, फॉर कंसीलमेंट फ्रॉम बी कि ये प्रॉपर्टी प्रिंसिपल सी की है, ठीक है. इसको भी नहीं पता कि प्रॉपर्टी बेची जा रही है और इसको भी नहीं पता कि प्रॉपर्टी सी की है, ठीक है. नाउ दिस अग्रीमेंट इज़ बाय फ्रॉड, ठीक है. तो दिस अग्रीमेंट इज़ वॉइड बिटवीन ए एंड बी, ठीक है. चलो लास्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं. लास्ट इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, ए बी से प्रॉमिस करता है कि अगर ए बी से प्रॉमिस करता है कि वो प्रोसिक्यूशन ड्रॉप करेगा विच इज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी, ठीक है. और बी बोलता है कि अगर आप मेरे केस को वापस लोगे तो मैं आपका सारा सामान आपके घर में जैसा था वैसे ही रख दूंगा, ठीक है. नाउ दिस अग्रीमेंट इज वॉइड एज द लॉ एंड द प्रोविजन इज बीइंग डिस्टर्ब्ड, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, ठीक है. समझने के लिए आसान है. तो ये सारे इलस्ट्रेशंस आपके डायरेक्ट में दिया हुआ है जो आपको पढ़ना ही होगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है. सो नोइंगली इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस सेक्शन, ठीक है. चलो आगे जाते हैं, आगे का सेक्शन देखते हैं. नाउ व्हाट सेक्शन 20 इज अग्रीमेंट विच इज अनलॉफुल इन पार्ट, ठीक है. अगर कोई भी कंसिडरेशन होता है जो अनलॉफुल इन पार्ट होता है, या तो कुछ उसका पार्ट इमोरल या अनलॉफुल है, ठीक है, या उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें से सिर्फ एक पार्ट अनलॉफुल है, तो वो पूरा अग्रीमेंट विल बी टर्म्ड एज वॉइड, ठीक है. इलस्ट्रेशन देखते हैं. ए जो है वो प्रॉमिस करता है सुपरिटेंडेंट को, ठीक है, ए जो है ऑन बिहाफ ऑफ बी
promises to the superintendent, a legal manufacturer of indigo, and the illegal traffic in other articles. ठीक है, ए बोलता है सुपरिटेंडेंट से, प्रॉमिस करता है कि आप लीगल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो के साथ कुछ इलीगल ट्रैफिकिंग करें. उसके लिए बी ए को प्रॉमिस करता है कि वो 10,000 rupees a ईयर देगा. नाउ दिस अग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज द पर्पस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए'ज प्रॉमिस एंड द कंसिडरेशन फॉर बी'ज प्रॉमिस बींग इन पार्ट इज अनलॉफुल. ठीक है, देयरफॉर द कंसिडरेशन इज वॉइड. ओके, चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, दैट इज सेक्शन 25. दिस सेज दैट अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड और इज प्रॉमिस टू कंपेंसेट फॉर समथिंग डन और इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेप्ट बार बाय लिमिटेशन. नाउ जो अग्रीमेंट है वो बिना कंसिडरेशन के है तो उसे वॉइड कहा जाएगा. ठीक है, वो तो हमने स्टार्टिंग डेफिनेशंस में पढ़ लिया था. अगर उसमें कोई भी चीज़ लिख कर दिया हुआ हो, ठीक है, या प्रॉमिस किया हो कि वो आगे जाके उसको कंपेंसेट करेंगे, ठीक है, और इस प्रॉमिस टू पे अ डेप्ट बार्ड बाय लिमिटेशन ऑफ लॉ. ठीक है, चलो इसके थोड़े बहुत इलस्ट्रेशंस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, ए प्रॉमिस करता है, ठीक है, टू गिव बी 1000 फॉर नो कंसिडरेशन, तो ये तो सीधे सीधे वॉइड अग्रीमेंट है. ठीक है, ए विथ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रोमिसज टू गिव हिज सन बी रुपीज 1000. ए पुट हिज प्रोमिसज टू बी इन टू राइटिंग एंड रजिस्टर्स इट, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो अगर बेसिकली देखा जाए तो दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट द एक्सेप्शंस वेयर अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑल्सो वैलिड. ठीक है, दिस सेक्शन सेज कि अग्रीमेंट जो फॉर्म किया है विदाउट कंसिडरेशन इज ऑल्सो वैलिड अनलेस इट इज़ इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड और इज प्रोमिस टू कंपेंसेट फॉर समथिंग डन और इज प्रोमिस टू पे डेप्ट बार्ड बाय लिमिटेशन ऑफ लॉ. ठीक है, इसमें से एक रहेगा, ठीक है, एक्सप्रेस राइटिंग में होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर. ठीक है, ये सब में अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी अग्रीमेंट वैलिड होगा. ठीक है, या फिर दूसरा देखेंगे, प्रॉमिस किया है टू कंपेंसेट होली और इन पार्ट. ठीक है, उसको जिस इंसान ने वॉलेंट्रीली हेल्प किया है किसी को, ठीक है, तो वो इंसान उसको बोले कि हाँ मैं इसका कंपेंसेशन दूंगा आपको पार्ट में या फुल में और समथिंग विच इज़ डन बाय द प्रोमिसर वॉज लीगली कंपेल्ड टू डू सो. ठीक है, थर्ड वन देखेंगे, ये एक प्रॉमिस किया हुआ हो राइटिंग में या साइंड में बाय अ पर्सन टू बी चार्ज देयर विथ और बाय हिज एजेंट, उस इंसान ने साइन किया है या उसके एजेंट ने जो स्पेसिफिकली उसके बिहाफ पे ऑथोराइज है कि वो पे कर देगा फुल या फिर हाफ में. ठीक है, बिफोर द टाइम गिवन या फिर लॉ ऑफ लिमिटेशन होने के बाद वो पे कर दे. ठीक है, और इन एनी ऑफ दिस केसेस सच अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब इसमें से नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड.
ठीक है. एंड सेकेंड एक्सप्लेनेशन विच सेज एन अग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवेन इज नॉट वॉइड मियरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट, मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बट द इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन मे बी टेकन इन टू अकाउंट बाय द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन वेदर द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर वॉज फ्रीली गिवेन. ठीक है, चलो हम लोगों ने दो एग्जाम्पल तो पहले ही देखे इलस्ट्रेशंस. थर्ड पे जाते हैं. ए को मालूम पड़ता है बी का जो पर्स है, ठीक है, वो गुम गया है. अब बी उस पर्स को ढूंढकर, ए उस पर्स को ढूंढकर बी को वापस करता है और बी खुश हो जाता है. बी ए को 50 रुपीज़ देता है, ठीक है, तो ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो गई. ठीक है, चलो इसके बाद ये एक इलस्ट्रेशन है, इसके बाद का एक इलस्ट्रेशन देखते हैं. ए सपोर्ट करता है बी के इन्फेंट सन को, ठीक है. अब बी उसको प्रॉमिस करता है ए को कि वो उसकी बदले में उसको एक्सपेंस देगा उसका, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ठीक है, सो दीज आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, इसके बाद का देखते हैं. ए ने बी से कुछ पैसे लिए हैं जो है 1000 रुपये, ठीक है, बट द डेप्ट इज बार्ड बाय लिमिटेशन एज पर द लिमिटेशन एक्ट. फिर भी ए साइन करता है, रिटन प्रॉमिस करता है टू पे बी ₹500 ऑन द अकाउंट ऑफ डेट. नाउ दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, आगे देखते हैं. ए अग्री करता है टू सेल अ हॉर्स वर्थ ₹1000, ठीक है, फॉर ₹10, ठीक है. 1000 का जो घोड़ा है वो 10 रुपये में अग्री करता है सेल करने के लिए. ठीक है, ए कंसेंट टू द अग्रीमेंट वॉज फ्रीली गिवन. द अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग द इनएडिक्वेंसी ऑफ कंसिडरेशन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इम्पॉर्टेंट ये है कि जब कंसिडरेशन हो तो वो एडिक्वेट हो. ठीक है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है तो दैट इज नॉट टू बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे जो 1000 का घोड़ा है उसको 10 रुपये में दिया गया है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन. नाउ दिस इलस्ट्रेशन सेज ए सेल्स हिज हॉर्स वर्थ ₹1000 फॉर ₹10. ठीक है, अब ए मना कर देता है कि उसका कंसेंट फ्रीली नहीं दिया गया था एंड जो कंसिडरेशन है वो इनएडिक्वेट है. ठीक है, अब कोर्ट ये देख रहा है कि कंसिडरिंग वेदर और नॉट एज कंसेंट वॉज फ्रीली गिवन. नाउ अगर ये फ्रीली गिवन कंसेंट है देन ऑल्सो द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट, देयरफॉर इट इज वॉइड. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन द लास्ट इलस्ट्रेशन. ठीक है, ए अग्रीज टू सेल अ हॉर्स वर्थ ₹1000 फॉर ₹10. ठीक है, नाउ ए डिनाइज दैट हिज कंसेंट टू द अग्रीमेंट वॉज फ्रीली गिवन. द इनएडिक्वेंसी ऑफ कंसिडरेशन इज अ फैक्ट दैट विच द कोर्ट शुड टेक इन टू अकाउंट इन कंसिडरिंग वेदर और नॉट एज कंसेंट वॉज फ्रीली गिवन. ठीक है, वेरी मच ईजी टू अंडरस्टैंड. नाउ दीज इलस्ट्रेशंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग इन योर एग्जामिनेशन एंड एक एक इलस्ट्रेशन को समझाना विथ कनेक्शन टू योर सेक्शन इज वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप पेपर में सेक्शन लिख रहे हैं और उसमें से कुछ इलस्ट्रेशंस याद करके आप उसको मेंशन कर रहे हैं, सो द टेंडेंसी ऑफ यू स्कोरिंग मोर मार्क्स इज मच. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन.
which is section 26. It says agreement in restraint of marriage is void. ठीक है, कोई भी agreement बना रहे हैं जो restrain कर रहा है marriage को, ठीक है, is void. अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि agreement बनाएंगे शादी से पहले, which is also called as prenuptial agreement. अब agreement is not valid agreement. ठीक है, prenuptial agreement or any kind of agreement which restrain the marriage of any person other than the minor is void. ठीक है, minor's agreement is as void only. But agreement जो restrain कर रहा है marriage को from any person is void. Suppose देखो example लेते हैं कि यहाँ पे एक आदमी शादी करने जा रहा है. ए ने ऐसा अग्रीमेंट बनाया एफ के साथ कि शादी तभी होगी अगर तुम डी का मर्डर करोगे. ठीक है, सो दिस अग्रीमेंट इज रिस्ट्रेनिंग टू द मैरिज ऑफ एफ एंड आर. देयरफॉर दिस अग्रीमेंट विच रिस्ट्रेन्स द मैरिज इज वॉइड अदर देन द माइनर. अदर देन द माइनर क्यों कहा गया है इसमें, क्योंकि माइनर के साथ जो भी अग्रीमेंट है वो इट इज वॉइड अब इनिशियो, विच मीन्स कि ये स्टार्टिंग से ही वॉइड है. जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उस दिन से ही वॉइड है. ठीक है, सिंपल. चलो नेक्स्ट पे देखते हैं सेक्शन 27. व्हाट सेक्शन 21 सेज इज अग्रीमेंट रिस्ट्रेन टू ट्रेड इज वॉइड. ठीक है, वहाँ पे शादी है, यहाँ पे ट्रेड है. कोई भी अग्रीमेंट जो रिस्ट्रेन करता है लॉफुल पोजेशन से, ट्रेड या फिर बिजनेस से ऑफ एनी काइंड इज वॉइड. ठीक है, उसका एक एक्सेप्शन है, वो रीड करते हैं. सेविंग ऑफ अग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज सोल्ड. वन हु सेल द गुडविल ऑफ अ बिजनेस मे अग्री विद द बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन द सिमिलर बिजनेस. ठीक है, विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स सो लॉन्ग एज द बायर और एनी पर्सन डिराइविंग टाइटल टू द गुडविल फॉर हिम कैरीज ऑन अ लाइक बिजनेस देयर ऑन प्रोवाइडेड दैट सच लिमिट्स अपीयर इन द कोर्ट रीजनेबल रिगार्ड बींग हैड टू द नेचर ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो अगर कोई भी इंसान जो गुडविल सेल करने जा रहा है फॉर बिजनेस, ठीक है, मे अग्री विद द बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस, वो बायर को बोल सकता है कि ऐसे बिजनेस को फॉलो ना करें विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स. ठीक है, सो एज अ बायर और एनी पर्सन डिराइविंग द टाइटल टू द गुडविल फ्रॉम हिम कैरीज ऑन द बिजनेस देयर इन, अगर वही सेम बिजनेस फॉलो कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट सच लिमिट अपीयर टू द कोर्ट रीजनेबल रिगार्ड बींग हैड अ नेचर ऑफ बिजनेस. ठीक है, चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, दैट इज सेक्शन 28. अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ अ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड. कोई भी अग्रीमेंट जो रिस्ट्रेन कर रहा है लीगल प्रोसीडिंग से इज वॉइड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एवरी अग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम प्रोसीडिंग हिज राइट अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट by the usual legal proceeding in ordinary tribunals or with the limit the time which he may thus enforce his right. ठीक है, इसका example के तौर में बताती हूँ कि अगर कोई इंसान का right infringe हुआ है, उसको court में जाना है, legal proceedings follow करनी है अपने right के लिए, तो अगर कोई भी agreement जो restrain कर रहा है कि वो जाके case करे या suit file करे, तो वो void कहलाएगा. ठीक है, सेकेंड देखते हैं, विच एक्सटिंग्विश द राइट ऑफ एनी पार्टी देयर टू और डिस्चार्ज एनी पार्टी देयर टू फ्रॉम एनी लाइबिलिटी अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड सो एज टू रिस्ट्रिक्ट एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम पार्टी फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट टू इज वॉइड टू द एक्सटेंट. अगर कोई भी राइट है, कोई भी अग्रीमेंट है जो भी एक पार्टी को रुका रहा है, ठीक है, उसके राइट इन्फोर्स करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है, That also is the restraint of legal proceeding, which is void. ठीक है, चलो next देखते हैं. Next section says agreement
अवॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अभी अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टेनिटी मतलब कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो जिसपे बेस या कुछ तो चीज़ मिसिंग हो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग हो, ठीक है। लेट्स सी द अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और केपेबल ऑफ बींग मेड सर्टेन आर वॉइड, ठीक है। लेट्स सी द इलस्ट्रेशंस। नाउ फर्स्ट इलस्ट्रेशन सेज कि ए ने अग्री किया बी के साथ टू सेल 100 टन ऑफ ऑयल। अब वो बता ही नहीं रहा है कि कौन सा ऑयल है और वॉट एवर टू शो वॉट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे अग्रीमेंट है वो वॉइड है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, ए अग्री करता है सेल करने के लिए बी से 100 टन्स ऑफ ऑयल ऑफ अ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन नोन एज एन आर्टिकल ऑफ कॉमर्स। देर इज नो अनसर्टेनिटी हियर टू मेक द अग्रीमेंट वॉइड, ठीक है। देयरफॉर दिस अग्रीमेंट इज वैलिड। इसके बाद देखते हैं, ए हु इज अ डीलर इन अ कोकोनट ऑयल ओनली अग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। Now the nature of A trade affords an indication of the meaning of the word, and A has entered into a contract for the sale of 100 ton of coconut oil. ठीक है, यहाँ पे intention क्या है, क्या चीज़ का description दिया है और क्या चीज़ sale हो रहा है, ये पूरी चीज़ mention की हुई है, ठीक है। Now next illustration says A agrees to sell B all the grain in any garani at Ramnagar. अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी क्या है कि कौन सी जगह है, कौन सा ग्रेन है, ठीक है। कुछ बताया नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, तो ये बताता है कि ये अग्रीमेंट वॉइड है, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए अग्री करता है बी के साथ टू सेल 1000 मोल्स ऑफ राइस एज अ प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय सी, ठीक है। नाउ द प्राइस जो सी है, ठीक है, उसने फिक्स नहीं किया हुआ है। एज द प्राइस इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, देर इज नो अनसर्टेनिटी हियर टू मेक द अग्रीमेंट वॉइड, ठीक है। सी जब प्राइस फिक्स करेगा तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं होगा एंड अग्रीमेंट नहीं होगा वॉइड। अगर नहीं किया तो वॉइड हो सकता है क्योंकि डिटेल्स मेंशन नहीं किए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए अग्री करता है टू सेल बी माय वाइट हॉर्स फॉर रुपीज 500 और रुपीज 100। देर इज़ नथिंग टू शो विच ऑफ द टू पार्टीज वॉज टू बी गिवन, देयरफॉर अनसर्टेनिटी एंड द अग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, दैट इज सेक्शन 30 विच सेज अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड, ठीक है। नाउ अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड, and no suit shall be brought for recovery anything alleged to be won or any wager or entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made, ठीक है। वेरी मच सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलो इसका एक्सेप्शन देखते हैं, एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइजेस फॉर हॉर्स रेसिंग। नाउ दिस सेक्शन शैल नॉट बी डीम्ड टू रेंडर अनलॉफुल और अ सब्सक्रिप्शन और कॉन्ट्रीब्यूशन और अग्रीमेंट टू सब्सक्राइब और कॉन्ट्रीब्यूट मेड और एंटर्ड इन टू फॉर अ टू। इसका एक्सेप्शन देखते हैं, एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइस फॉर हॉर्स रेसिंग, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ हॉर्स रेसिंग में जीता हो तो वो इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। नाउ इंडियन पिनल कोड सेक्शन 294A भी बताता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू लीगलाइज एनी ट्रांजैक्शन कनेक्टेड विद हॉर्स रेसिंग टू विच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 294A ऑफ द पिनल कोड अप्लाई, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, विच इज़ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। Now let's see what is contingent contract. Section 31 says a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral or such contract does or does not happen. ठीक है, अगर कोई अगर A बोल रहा है B को कि अगर आज बारिश हुई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो this type of contract is contingent contract, ठीक है। To do or not to do something if some event collateral to such contracts does or does not happen, ठीक है। यहाँ का illustration देखते हैं, A contracts to pay
बी रुपीज 10,000 इफ बीज हाउस इज बर्नड, विच इज द फ्यूचर. अगर बर्न हुआ तो वो उसको 10,000 रुपीज देगा. सो दीज काइंड ऑफ अग्रीमेंट इज कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, नाउ लेट्स सी सेक्शन 32. सेक्शन 32 सेज इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग. ठीक है, नाउ द कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट हैपन कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अंटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड. ठीक है, इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड. ठीक है, तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर से देखते हैं. जो इलस्ट्रेशन यहाँ पे मैंशन किया है वो देखते हैं. ठीक है, ए कॉन्ट्रैक्ट बनाता है बी के साथ कि ए बी के हॉर्स बाय करेंगे इफ ए सर्वाइव्स सी. ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस अंटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि वो बी के हॉर्स को खरीद लेगा. ठीक है, इफ ए सर्वाइव सी. ठीक है, यानी ए के लाइफ टाइम में सी सर्वाइव कर रहा है. ठीक है, तो वो बी के हॉर्स बाय कर लेगा. तो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एम्फोर्स बाय लॉ अनलेस अंटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम. अगर ए पहले ही मर गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा वॉइड है. ठीक है, चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं. ए कॉन्ट्रैक्ट बनाता है बी के साथ टू सेल अ हॉर्स टू बी एट द स्पेसिफाइड प्राइस. नाउ इफ सी टू होम द हॉर्स हैज बीन ऑफर्ड रिफ्यूजेस टू बाय हिम. ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अंटिल सी रिफ्यूजेस टू बाय द हॉर्स. ठीक है, नाउ दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, लेट्स सी द थर्ड इलस्ट्रेशन. ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ टू पे अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी. नाउ सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी. ठीक है, नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 33. नाउ सेक्शन 33 सेज एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग. ठीक है, अगर कोई भी इवेंट है जो नहीं हो रहा है तो उसमें एनफोर्समेंट कैसा होगा. ठीक है, नाउ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल एंड बिफोर. ठीक है, तो इसका इलस्ट्रेशन देके समझते हैं इसको. नाउ ए अग्री करता है टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न. ठीक है, अब ये शिप पानी में डूब जाती है. ठीक है, तो द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन द शिप इज सिंक्ड. ठीक है, अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि वो ए बी को कुछ अमाउंट देगा अगर ये शिप पानी में डूब गई तो, और ये शिप सच में पानी में डूब गई, तो नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द शिप इज संक. सिंपल. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. सेक्शन 34. सेक्शन 34 सेज व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इट इज फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन. ठीक है, तो इसमें इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट इज अ वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट एट अ स्पेसिफाइड टाइम द इवेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बिकम इम्पॉसिबल वेन सच पर्सन डज एनी थिंग विच रेंडर्ड इट इम्पॉसिबल दैट इट शुड सो एक्ट विद इन इट डेफिनेट टाइम और अदरवाइज अंडर फर्दर कंटिजेंसी. ठीक है, सब ऊपर से गया दिमाग के. चलो हम लोग इलस्ट्रेशन देखते हैं और इस सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं इन अ सिंपल वे. ठीक है,
अब ए अग्री करता है बी के साथ टू पे सर्टन सम ऑफ मनी इफ बी मैरिज सी, और यहाँ पे सी डी के साथ शादी कर लेता है, ठीक है। द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि सी ने तो पहले से ही डी के साथ शादी कर लिया है। ऑल दो इट इज़ पॉसिबल कि डी मर जाए एंड दैट आफ्टरवर्ड्स बी के साथ सी की शादी हो जाए, ठीक है, तो ये फ्यूचर कंटिजेंसी है, ठीक है। अब इसको सेक्शन को रीड करते हैं हम लोग। When event on which contract is contingent to be deemed impossible, ठीक है, C की शादी D के साथ impossible हो गया क्योंकि C ने already शादी कर लिया है, क्योंकि B ने already शादी कर लिया है, ठीक है। अब if it is the future conduct of the living person, अब यहाँ पे जिसके साथ शादी हुई है वो मर गया, ठीक है, तो B की शादी C के साथ हो सकती है, ठीक है। इफ़ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट इज द वे इन विच पर्सन विल एक्ट एट अ अनस्पेसिफाइड टाइम द इवेंट शैल बी कंसिडर टू बिकम इम्पॉसिबल, ठीक है, शादी उनके होना इम्पॉसिबल है। व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग विच रेंडर्ड इट इम्पॉसिबल दैट ही शुड सो एक्ट विद इन एनी डेफिनेट टाइम और अदरवाइज देन अंडर फ्यूचर कंटिंजेंसी। अभी समझना आसान है, ठीक है, इलस्ट्रेशन के साथ सब सेक्शंस को पढ़ना इजी हो जाता है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द सेक्शन इलस्ट्रेशन एंड देन अगेन द सेक्शन टू अंडरस्टैंड इट थॉरली एंड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं, सेक्शन 35 विच सेज व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड विच आर कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम, ठीक है। अब इसका पहले इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशंस कहता है कि ए प्रॉमिस करता है बी को टू पे सर्टन सम ऑफ मनी इफ सर्टन शिप रिटर्न विद इन अ ईयर, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड इफ द शिप रिटर्न विद इन अ ईयर एंड बिकम्स वॉइड इफ द शिप इज बर्न्ड विद इन अ ईयर और संक्ड विद इन अ ईयर, ठीक है। दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं और उसके बाद हम लोग अपना सेक्शन रीरीड करेंगे, ठीक है। दूसरा इलस्ट्रेशन क्या है, ए ने बी को प्रॉमिस किया अ सम ऑफ मनी इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर, द कॉन्ट्रैक्ट बी एम्फोर्स इफ द शिप डज नॉट रिटर्न, ठीक है, विद इन अ ईयर और इज बर्न्ड विद इन अ ईयर। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल सिमिलर है बट इसमें सिर्फ एक चेंज है कि ऊपर वाले में द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स्ड इफ द शिप रिटर्न विद इन अ ईयर, ठीक है, एंड सेकेंड में द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स्ड इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर, ठीक है, और इज बर्न्ड विद इन अ ईयर। तो एनफोर्स्ड है बट इज नॉट वॉइड, इट इज वैलिड, बट इन फर्दर मोर द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स इफ द शिप रिटर्न विद इन अ ईयर एंड बिकम्स वॉइड इफ द शिप इज बर्न्ड विद इन अ ईयर, ठीक है। चलो अब सेक्शन रीड करते हैं। नाउ इट सेज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और टू नॉट डू एनीथिंग इफ स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट हैपेंड विद इन अ फिक्स टाइम बिकम्स वॉइड। शिप बर्न हो गई है तो ये वॉइड हो जाएगा। At the expiration of time fixed, such event has not happened, or if before the time fixed, such event becomes impossible. एक साल तक अगर शिप आई ही नहीं है वापस, या एक साल के पहले ही शिप बर्न हो गई है तो ये impossible हो गया। When such contract may be enforced, which are contingent on specific event not happening within fixed time, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़ अभी। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, दैट इज सेक्शन 36 विच इज अग्रीमेंट कंटिंजेंट और इम्पॉसिबल इवेंट्स इज वॉइड। नाउ कंटिंजेंट अग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ इस इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस आर वॉइड, ठीक है। वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट इज नोन और नॉट टू द पार्टीज टू द अग्रीमेंट एंड एट द टाइम व्हेन इट इज मेड, ठीक है। इलस्ट्रेशंस देखते हैं इसके। इलस्ट्रेशन बोलता है कि ए अग्री करता है बी के साथ, ठीक है,
to pay 1000 rupees if two straight lines should enclose a space. Now this agreement is void. ठीक है, वेरी सिंपल. चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं. ए अग्री करता है बी के साथ टू पे 1000 रुपीस इफ बी मैरीज एज डॉटर. ठीक है, सी. नाउ सी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट. नाउ दिस अग्रीमेंट इज वॉइड. ठीक है, लेट्स अगेन रीड व्हाट इज रिटन इन द सेक्शन. अग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट इज वॉइड. ठीक है, कोई भी अग्रीमेंट जो कंटिंजेंट है ऑन इम्पॉसिबल इवेंट इज वॉइड. ठीक है, अगर शादी का है तो वो लड़की मर गई है. ठीक है, सी वॉज डेड, तो नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मैरिज, तो द अग्रीमेंट इज वॉइड. ठीक है, चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं. दैट इज सेक्शन 37 ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, नाउ व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट. सपोज ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, टू डिलीवर गुड्स, एंड बी सर्टेन डेट पे ए को 1000 रुपीस देगा. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का ऑब्लिगेशन है टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ए की तरफ से कि वो डिलीवर करेगा गुड गुड्स बी को, और बी की तरफ से कि वो डिलीवर करेगा 1000 रुपीस ए को. ठीक है, लेट्स सी द बेयर एक्ट वर्डिंग्स व्हाट इट सेज. इट सेज द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस unless such performance is dispensed with or excused under the provision of this act or any other law. ठीक है, पार्टी जो दोनों हैं उन दोनों को अपना अपना प्रोमिस परफॉर्म करना है. ठीक है, और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस. ठीक है, लेकिन अगर किसी प्रोविजन में या किसी एक्ट में या किसी अदर लॉ में उसको एक्सक्यूज नहीं किया है तो वो नहीं करना है. ठीक है, अदरवाइज दे हैव टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस. ठीक है, अब प्रोमिसेस जो हुआ है अगर वो किसी थर्ड पर्सन के साथ है और वो मर गया है, ठीक है, तो वो प्रोमिस उसके लीगल है, रिप्रेजेंटेटिव पूरा कर सकते हैं. ठीक है, अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशंस अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. अब ये कॉन्ट्रेरी इंटेंशन क्या है देखते हैं इलस्ट्रेशन से. तो सबसे पहले हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं जो बोलता है ए प्रॉमिस करता है बी के साथ ऑन अ सर्टेन डे, ठीक है, टू पे रुपीस 1000. ए प्रॉमिस करता है बी के साथ टू डिलीवर गुड्स एंड बी टू डिलीवर रुपीस 1000. ठीक है, बट यहाँ पे ए मर जाता है. ठीक है, ए डिलीवर ए के रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी है टू डिलीवर गुड्स टू बी, एंड बी की ड्यूटी है टू पे रुपीस 1000 टू हिज रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन विच इज ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी बाय अ सर्टेन डेट. ठीक है, एट अ सर्टेन प्राइस. नाउ ए डाइज बिफोर द डेट. The contract cannot be enforced either by A's representative because वो उसका professional skill है. Now this cannot be done by his representative. Therefore, this is unless a contrary intention appears from the contract. ठीक है, this is what obligation of parties to contract. Okay, now let's see the next section. Next section is effect of refusal to accept offers of performance. ठीक है, नाउ इट सेज कि दोनों पार्टी ने जो प्रॉमिस किया है, ठीक है, वो दोनों को परफॉर्म करना ही होगा. एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड द प्रोमिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. अगर ए और बी के बीच में ए ने बी को ऑफर किया है और ऑफर बी ने एक्सेप्ट नहीं किया है तो ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनी परफॉर्मेंस नॉर ही इज देयर बाय लूजेस हिज राइट. अगर ए बी को ऑफर कर रहा है टू सेल हिज कार लेकिन बी ने एक्सेप्ट नहीं किया है तो उसका जो कार पे से राइट है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट. नाउ एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन. इट मस्ट बी अनकंडीशनल. ठीक है,
It must be made at a proper time and place and under certain circumstances that a person to whom it is made may have reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to the whole of what he is bound to do by his promises to do. ठीक है, तो ये certain proper place और proper time पे होना चाहिए, एक proper circumstances में होना चाहिए. ठीक है. थर्ड सेज इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी. प्रोमिसी और प्रोमिसी मैंने डेफिनेशन बताया था आपको. द प्रोमिसी मस्ट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग विच द प्रोमिसर इज बाउंड बाय हिज प्रोमिस टू डिलीवरी. ठीक है. अब इसके नीचे लिखा है एन ऑफर टू वन ऑफ अ सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम. ठीक है. एक जो ऑफर है, ठीक है, वो जॉइंट प्रोमिसेस के साथ है तो उसका सेम कॉन्सिक्वेंस होगा. ओके, सी द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 39, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रोमिस होली. ठीक है. अगर पार्टी ने जिसने प्रोमिस किया है, देयरफॉर द प्रोमिसर और द प्रोमिसी, ठीक है, वो लोग में से कोई भी एक अगर उन्हें मना करते हैं टू परफॉर्म अ प्रोमिस, ठीक है, होली और पार्टली, देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट. ठीक है. लेट्स सी द बैराक लैंग्वेज व्हाट इट सेज. इट सेज व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रोमिस इन इट्स एंटायरिटी द प्रोमिसी मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. प्रोमिसी कॉन्ट्रैक्ट को एंड पे ला सकता है अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट his acquiescence in his continuance. ठीक है. Let's see the illustration. Now what illustration says? A promise करता है B को कि वो हर हफ्ते में 2 nights आके उसके थिएटर में गाना गाएगा for 2 months. ठीक है. Now A is absent on 6th डे ऑफ इज सिंगिंग. ठीक है. यहाँ पे प्रोमिसी यानी कि बी इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड पे ला सकता है. ठीक है. नाउ लेट सी द सेकेंड इलस्ट्रेशन. नाउ सेकेंड इलस्ट्रेशन इज कम्प्लीटली सिमिलर विथ दिस फर्स्ट वन बट इसमें डिफरेंस क्या है कि ए बी को बता के नहीं आता है 6 पे लेकिन वो कंपेंसेट करता है ऑन द 7th नाइट आकर. ठीक है. बट इन दिस केस ऑल्सो बी के पास राइट है, ठीक है, टू एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. वेरी मच सिंपल टू अंडरस्टैंड. चलो लेट्स सी व्हाट इज सेक्शन 40. नाउ सेक्शन 40 सेज पर्सन बाय होम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड. ठीक है. अब इसमें सिंगल पर्सन हैं या बहुत सारे लोग हैं जो परफॉर्म करने वाले हैं. ठीक है. जैसे कि अगर प्रोमिसर है वो अगर मर जाता है, ठीक है, तो वो किसी को एम्प्लॉय करे या उसके रिप्रेजेंटेटिव को ये अथॉरिटी दी जाए कि वो इस प्रोमिस को परफॉर्म करे. ठीक है. नाउ लेट्स सी द इलस्ट्रेशन. ए बी को प्रोमिस करता है टू पे सम ऑफ मनी. ठीक है. अब कुछ टाइम बाद ए मर जाता है तो अब ए किसी को अपॉइंट करे किया हुआ हो या कोई रिप्रेजेंटेटिव हो ए का जो प्रॉमिस परफॉर्म करे और एम्प्लॉय सम प्रॉपर पर्सन टू डू सो, मतलब ए का रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है. लेट्स सी द सेकेंड वन. अब सेकेंड वन क्या है कि ए बी को ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो पिक्चर पेंट करेगा उसकी. अब यहाँ पे तो ए को ही परफॉर्म करना होगा बिकॉज इट इज़ अबाउट प्रोफेशनल स्किल्स. तो यहाँ पे यही पर्सन परफॉर्म कर सकता है. नो अदर पर्सन कैन परफॉर्म दिस. ठीक है. सो इन दिस कंडीशन द कॉन्ट्रैक्ट्स कम टू एन एंड. ठीक है. इफ ए द प्रोमिसर डाइज. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट सेक्शन विच सेज इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन. ठीक है. अब प्रोमिसर प्रोमिसी दो जन हैं लेकिन प्रोमिसर इसमें इन्वॉल्व नहीं है एंड प्रोमिसी एक्सेप्ट करता है परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी. और अगर थर्ड पार्टी फेल हो जाए इस प्रोमिस को
कंप्लीट करने में। तो प्रोमिसी बाद में प्रोमिसर को लाइबल नहीं ठहरा सकता टू एनफोर्स द प्रोमिस। ठीक है, ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, विच इज सेक्शन 42, डिवोल्यूशन ऑफ ऑल जॉइंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इसमें अगर पांच लोग हैं, पांचों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, उन पांचों पे एक लाइबिलिटी है टू परफॉर्म अ प्रॉमिस। अब सेकेंड पर्सन मर जाता है, सपोज ए बी सी डी ई एक कॉन्ट्रैक्ट में आए, बी मर गया, तो बी का जो सर्वाइवर है यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, या फिर बाकी सर्वाइवर्स हैं, वो मिलके इसको प्रॉमिस को कंप्लीट करेंगे। लेट्स सी द बैरक लैंग्वेज, इट सेज व्हेन टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑल सच पर्सन ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी वन ऑफ देम, बी का जो डेथ मैंने आपको कहा, हिज रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइवर्स और सर्वाइवर एंड आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द जॉइंटली मस्ट फुलफिल द प्रोमिस। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 43। ठीक है, विच सेज एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। ठीक है, अगर बहुत सारे जॉइंट प्रोमिसज हैं, ठीक है, और इन एब्सेंस ऑफ एनी वन, ठीक है, जो बचे हैं दे विल हैव टू परफॉर्म द प्रोमिस। ठीक है, लेट्स सी द लेट्स सी व्हाट सेक्शन सेज, व्हेन टू और मोर पर्सन मेक अ जॉइंट प्रोमिस द प्रोमिसी मे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी कंपेल एनी वन ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रोमिस। ठीक है, ईच प्रोमिसर मे कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ईच टू और मोर पर्सन प्रोमिसर्स मे कंपेल एवरी अदर जॉइंट प्रोमिसर टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली विद इन देमसेल्फ टू परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। अभी नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल पेमेंट मेड बाय श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल और एंटाइटल द प्रिंसिपल टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम द श्योरिटी ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट्स मेड बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, लेट्स सी इलस्ट्रेशंस। ए बी सी जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं डी को पे करना 3,000 रुपीज। डी में कंपेल ए बी और सी टू पे 3,000 रुपीज। ठीक है, अब ए सेकेंड इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए बी सी जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं डी को 3,000 रुपीज पे करना। ठीक है, सी बोल सकता है कि वो पूरा पे करेगा या फिर ए इज़ इंसॉल्वेंट बट हिज असेट्स आर सफिशियंट टू पे वन हाफ ऑफ इट्स डेब्ट्स। सी इज एंटाइटल टू रिसीव 500 फ्रॉम ए'ज इस्टेट एंड 1,250 रुपीज फ्रॉम बी'ज इस्टेट। ठीक है, थर्ड इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए बी और सी आर अंडर अ जॉइंट प्रॉमिस टू पे डी 3,000 रुपीज। सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग एंड ए इज कंपेल्ड टू पे द होल। ए इज एंटाइटल टू रिसीव 1,500 रुपीज फ्रॉम बी। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। ए बी सी तीनों जन जॉइंट प्रॉमिस में आते हैं टू पे डी रुपीज 3,000। अब ए बी सिर्फ श्योरिटी है फॉर सी, सी फेल्स टू पे, ए और बी दोनों मिलके पे करेंगे द होल सम, ठीक है, टू सी एंड दे आर एंटाइटल टू रिकवर इट फ्रॉम सी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 44, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर। ठीक है, बैरक लैंग्वेज देखते हैं पहले इसमें लिखा क्या हुआ है। वेर टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस अ रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रॉमिस बाय अ प्रॉमिसी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रॉमिसर और जॉइंट प्रॉमिसर्स नीदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रॉमिसर्स टू रिलीज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर जॉइंट प्रॉमिसर और जॉइंट प्रॉमिसर्स। ठीक है, अगर चार लोग मिलके एक प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, एक प्रॉमिस एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनमें से किसी एक जन का डिस्चार्ज होना सबका प्रॉमिस डिस्चार्ज नहीं करता है एंड नीदर ही इज़ फ्री फ्रॉम द जॉइंट प्रॉमिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, दैट इज सेक्शन 45, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। इसके पहले क्या था कि इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर, इसके बाद है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। ठीक है, व्हेन अ पर्सन हैज़ मेड अ प्रॉमिस टू टू और मोर पर्सन जॉइंटली
देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपियर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट एज बिटवीन हिम एंड देम and them during their joint lives and after the death of any one of them with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors and after the death of last survivors with the representative of all jointly. ठीक है, illustration से देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, ये थोड़ा confusing है. Let's see the illustration which says A. In consideration of 500 rupees lent to him by B and C. ठीक है, promises B and C jointly to repay them that sum with interest on a specified day. ठीक है, A जिसको 5000 रुपये देने होते हैं B और C को. ठीक है, वो प्रोमिस करता है B C को jointly कि उनको वो पे करेगा इंटरेस्ट के साथ. ठीक है, पर B उसके पहले ही मर जाता है. ठीक है, द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विथ B's रिप्रेजेंटेटिव jointly. B मर गया है तो उसकी रिप्रेजेंटेटिव एंड सी ड्यूरिंग सीज लाइफ टाइम. ठीक है, एंड अगर सी मर जाता है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली मिलके 500 रुपीस क्लेम कर सकते हैं ए से. टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस. ठीक है, दिस इज सेक्शन 46. व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो स्पेसिफाइड टाइम, नाउ नो टाइम इज स्पेसिफाइड. ठीक है, दिस इज द न्यू पार्ट विच सेज टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस. ठीक है, नाउ अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें ना जगह मेंशन किया है ना टाइम मेंशन किया है. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज द बैरक लैंग्वेज. इट सेज वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रोमिस विदाउट एन एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम. ठीक है, अभी रीजनेबल टाइम क्या है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के हिसाब से, पर्टिकुलर केस के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा. ठीक है, देर इज़ नो पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉर रीजनेबल टाइम. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 47. इट्स इज टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. ठीक है, एक प्लेस और एक टाइम मेंशन किया जाएगा. ठीक है, जिस टाइम पे वो परफॉर्मेंस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का. ठीक है, व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे एंड द प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी द प्रोमिसर मे परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस ऑन सच डे एंड द प्लेस एट विच द प्रोमिस ऑट टू बी परफॉर्म्ड. ठीक है, अगर टाइम और डेट मेंशन नहीं किया है, प्लेस मेंशन नहीं किया है, तो वो बिजनेस आवर्स में और एक पर्टिकुलर प्लेस में ही होना चाहिए. ठीक है, बिजनेस आर यानी कि कहीं कहीं 7 to 6 भी लेते हैं, कहीं कहीं 10 to 5 भी लेते हैं, कहीं कहीं 10 to 6 भी लेते हैं. ठीक है, तो इसके बीच में ही होना चाहिए. रात को आप कोई भी प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. ठीक है, नाउ इलस्ट्रेशन इज अ प्रोमिसज टू डिलीवर गुड टू बीज वेयर हाउस ऑन द 1st January. ऑन दैट डे ए ब्रिंग्स द गुड टू बीज वेयर हाउस बट आफ्टर द यूजुअल आवर फॉर क्लोजिंग इट एंड दे हैव नॉट रिसीव्ड A has not performed the promise. ठीक है, उसको usually business hours में ही लाना चाहिए. ठीक है, now let's see what is section 48. Section 48 is application for performance on certain day to be at proper time and place. ठीक है, proper time and place पे ही होना चाहिए वो agreement. ठीक है, usually business hours में होना चाहिए और proper place में होना चाहिए. आप river के बीच में boat पे खड़े होके कोई भी perform नहीं कर सकते contract. ठीक है, Now explanation of what is proper time and place is different in each particular case as to a question of fact. ठीक है, Now what next section says, next section is place for performance of promise when no application to be made and no place fixed for performance. ठीक है, that it is similar to the last one. ठीक है, let's see the Barak language. When a promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed for the performance of it, it is a duty of the promisor to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of promise and to perform it at such place. ठीक है, illustration देखते हैं. Illustration says A undertake to deliver 1,000 mons of jute to B on a fixed date. A must apply to B to appoint a reasonable place for business of receiving it and must deliver to him at such place. ठीक है, Now let's see the last section for today's session is section 50. Performance in manner or at time prescribed or sectioned by promisee. ठीक है,
द प्रोमिसी ऑफ एनी प्रोमिस मे बी मेड इन एनी मैनर और एट एनी टाइम विच द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब और सेंक्शंस. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन बोलता है कि बी को 2000 रुपए देने होते हैं ए को. ठीक है, ए डिजायर्स बी टू पे द अमाउंट टू एज अकाउंट विद सी अ बैंकर. ठीक है, बी हु ऑल्सो बैंक्स विद सी ऑर्डर्स द अमाउंट टू बी ट्रांसफर फ्रॉम हिज अकाउंट टू एज क्रेडिट एंड दिस इज डन बाय सी. अब कुछ टाइम बाद एंड बिफोर ए को पता चले सी फेल्स, देर हैज बीन अ गुड पेमेंट बाय बी. ठीक है, तो ये सामने वाले पर्सन जो प्रॉमिस सी है वो डिसाइड करेगा कि किस तरह से और किस मैनर में परफॉर्मेंस होगा कॉन्ट्रैक्ट का. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन विच इज ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडेब्टेड. ए एंड बी सेटल ऑन अकाउंट बाय सेटिंग ऑफ वन आइटम अगेंस्ट अनदर एंड बी पेस ए द बैलेंस फाउंड टू बी ड्यू फ्रॉम हिम अपॉन सच सेटलमेंट. ठीक है, अभी जो अमाउंट ऑफ पेमेंट है ए और बी के बीच में, ठीक है, वो दोनों के बीच में डिवाइड होगा दैट विच दे ओन टू ईच अदर. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन विच सेज ए ओस बी रुपीज 2000. बी एक्सेप्ट सम ऑफ एज गुड इन रिडक्शन टू द डेप्थ. द डिलीवरी ऑफ गुड ऑपरेट्स एज अ पार्ट पेमेंट. ठीक है, सिंपल. लेट्स सी द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. ए डिजायर्स बी हु ओव्स हिम रुपीज 100 टू सेंड हिम अ नोट ऑफ रुपीज 100 बाय पोस्ट. द डेप्ट इज डिस्चार्ज एज सून एज बी पुट इन टू द पोस्ट अ लेटर कंटेनिंग अ न्यू ड्यूली एड्रेस टू ए. ठीक है, अब हमारा आज का सेशन का ये लास्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ है. ठीक है, नाउ फॉर द पर्पस ऑफ मी रीडिंग ऑल द सेक्शंस एंड इलस्ट्रेशन इज टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि सेक्शन एंड इलस्ट्रेशन कैसे एक दूसरे को कोरिलेट करता है. ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बैरक लैंग्वेज फॉर बींग अ प्रॉपर, ठीक है, राइटर इन एग्ज़ाम. ओके, तो हम लोग को एग्ज़ाम में अगर अच्छे से लिखना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे बैरक की लैंग्वेज क्या है, सो दैट दिस मेक्स अस ईजी टू राइट दैट बैरक लैंग्वेज इन एग्ज़ाम वंस वी अंडरस्टूड कि हाँ इसका मतलब क्या है. ठीक है, सो अगर हम बैरक लैंग्वेज यानी सेक्शन पर्टिकुलरली रीड करके उसका इलस्ट्रेशंस रीड करेंगे तो इट विल मेक अस ईजी टू अंडरस्टैंड वॉट इज रिटन ओवर हियर एंड बाई अंडरस्टैंडिंग दैट वी कैन राइट दैट इन द पेपर. ठीक है, एंड द एग्जामिनर हु चेक्स दैट, ठीक है, ही गेट द इम्प्रेशन कि हाँ इनको लॉ समझा है एंड ही हैज़ रिटन इट एज द वे बैर एक्ट एक्सप्लेन्स इट. ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ लीगल स्ट्रीम एंड इट इज़ अ लीगल वर्ड्स विच वी हैव टू यूज़, ठीक है, इन द एग्ज़ाम वाइल राइटिंग द पेपर एंड ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द सेक्शंस प्रॉपरली एंड द इलस्ट्रेशंस. ठीक है, कि इलस्ट्रेशन और सेक्शन क्या कहता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिकॉज उसमें डायरेक्टली सेक्शंस और इलस्ट्रेशंस पूछे जाते हैं. ठीक है, जिसको हमें कोरिलेट करके उसका आंसर मार्क करना होता है या उस पर जो सिचुएशन होते हैं उसको आंसर करना होता है. सो आई कैन एक्सप्लेन यू इन द अदर वेज विद द ईजी लैंग्वेज बट आई बींग अ लॉयर वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू सो. आप बैरक की लैंग्वेज पढ़िए, आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगेगा स्टार्टिंग में बट इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. यू नीड वन डिक्शनरी, टू डिक्शनरी, लीगल डिक्शनरी और वॉट एवर इट माइट बी और गूगल ट्रांसलेशन और वॉट एवर, बट फॉर आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपको हैबिट हो जाएगा टू अंडरस्टैंड बैरक लैंग्वेजेस. ठीक है, सो द इंटेंशन ऑफ मी टीचिंग दिस वे इज वॉट आई हैव टोल्ड. ठीक है, इफ यू वॉन्ट मी टू टीच इन एनी अदर वेज यू कैन राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है, आई टेल यू, आई एक्सप्लेन यू इन दैट वे ऑल्सो. ठीक है, विद द इलस्ट्रेशंस एंड एग्जाम्पल्स. ओके, आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन. प्लीज़ डू नॉट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ मैंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, थैंक यू.